हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल के बारे में। कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है फ्राइडे के सत्र में ही। और इसी तरह के आइडियाज़ हम आपको हर वीडियो बताते भी हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो मैं आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ वो आई एम श्योर आप लोग अब ध्यान देने लग गए होंगे, और स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम नहीं करना है। जैसे हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की थी, LIC हाउसिंग फाइनेंस में ब्रेकआउट आया, फेल हुआ और उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसमें लॉस भी हुआ मेरे को, बट उसमें मैं निकल चुका हूँ ऑलरेडी, जैसे मैं आपको सबको पहले बताया भी हुआ है। तो अब हम दीपक नाइट्राइड में मैं थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बिल्ड कर रहा हूँ और वो मेरे को चार्ट थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है और ब्रेकआउट भी आ चुका है उसमें। तो इस तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और मैं लेवल्स जो है टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही बताता हूँ। तो इस तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज बात कर लेते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के बारे में। कोरोमंडल इंटरनेशनल में क्या हुआ है? कोरोमंडल इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न मैंने आपके सामने ये डाला हुआ है। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है इसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सत्र में ही आया है, और ये बढ़िया ब्रेकआउट है। 1680 पर ये ब्रेकआउट आया है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा, अगर पुरानी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 1623 1624 के आसपास। 1623 अगर टूटने लगे तो फिर एक बार के लिए निकल ज़रूर जाइएगा, बिकॉज वो एक इसका 20 डे MA है। 20 डे MA पर बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है इसको, और बार बार ये 20 डे MA पर सपोर्ट लेके ऊपर ही चल रहा है। तो अगर ये 20 डे MA सिग्निफिकेंटली तोड़ दे क्लोजिंग बेसिस पर, अगर ये मान लीजिए 1620 1600 के आसपास ट्रेड करने लगे तो फिर एक बार के लिए निकल जाएगा, क्योंकि हो सकता है फिर 1540 तक का भी इसमें लेवल देखने को मिलेगा आपको। तो इसी वजह से आपको जो भी पोजीशन बनानी है वो उसका स्टॉप लॉस आपको 1620 का लगा के रखना है। 1620 एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए? अगर हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है तो फिर आपको इसमें ऑलमोस्ट 1860 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इसका जो निकल के आ रहा है टारगेट वो आ रहा है 1860 का। 1860 का टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहिएगा, और स्टॉप लॉस के लिए अगर अभी हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है तो 1680 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल 2-4 दिन के लिए या हफ्ते के लिए पोजीशन बनाई है, या फिर अभी ब्रेकआउट पर भी पोजीशन बनाई है और आपने सोचा है कि स्विंग ट्रेडिंग का आइडिया है आपके लिए, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो 1680 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर आपके लिए काम का स्टॉप लॉस होगा, और जिसमें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी चल रहा है 1693 1693 से 1680 का स्टॉप लॉस मतलब बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस है। 13 रुपये गंवाने को है, और आपको मिलने के लिए ऑलमोस्ट 180 रुपये मिल सकता है, 170 रुपये मिल सकता है, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है आपके लिए। बट हाँ, आपको बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है स्टॉप लॉसेस के मामले में, और स्टॉप लॉसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अब आने वाले टाइम में, क्योंकि वॉलेटाइल रहने वाले हैं सेशंस भी। अभी आपको पता ही है कि हिंडनबर्ग ने फिर से एक आरोप लगाया है सेबी चेयरपर्सन के ऊपर, तो वो भी हो सकता है कल थोड़ा सा मूड माहौल ख़राब करे, और उसमें हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की। तो वो भी एक ध्यान रखिएगा कि अगर कल के सत्र में मंडे के सत्र में ये थोड़ा सा नीचे आते हैं कोई भी स्टॉक्स, तो फिर जब ये वापस से 1680 के ऊपर जाने लगेगा तो फिर इसमें पोजिशन बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये एक बड़ा सिंपल फंडामेंटल चीज़ मैं आपको हर बार बताता भी हूँ, और वो मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल मैं हर वीडियो में बताऊँ, सो देट आपके ये एक ट्रेडिंग का पैटर्न बन जाए, ट्रेडिंग में आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ करने लगे आप, और सो दैट आपको ये भूले नहीं। अब एक बार इसका RSI भी देखते हैं, तो RSI भी डेली के चार्ट पर 66 हो चुका है, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा ये मोमेंटम शो कर रहा है, जबकि थर्सडे के सत्र में यही RSI 58 के आसपास था। तो RSI भी काफ़ी अच्छे से तेज़ी से बढ़ा है, और बहुत ही अच्छी ये कैंडल भी बनी है अगर आप देखते हैं तो। इसमें जो है पिछले 2-3 दिन से अच्छे ये जो वॉल्यूम्स है बढ़ने शुरू हो गए हैं, और वॉल्यूम्स के साथ साथ ही ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो ब्रेकआउट भी आया है ये ब्रेकआउट भी अच्छा है, और इसमें डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा मेरी पोजीशन नहीं है कोरोमंडल में अभी तक, बट हो सकता है पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइसर डिस्कस करके लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है मेरे चैनल पर, जैसे आप सबको पता भी है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस दे, तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ये इस टाइम पर, और ऑल टाइम हाई पर चलने का मतलब आप जानते ही हैं, मार्केट अभी नीचे है बट कोरोमंडल में बिल्कुल भी गिरावट नहीं है देखने को मिली है। इसने जो हाई लगाया था 1704 पे, 1704 के ऊपर जिस दिन भी ये निकलेगा उसके बाद इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, और इसमें फिर आपको ऑलमोस्ट 1860 तक का जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 1860 का टारगेट बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इसने यही एक 1700 वाला जो टारगेट जो लेवल था 1688 इनफैक्ट ये छुआ था ऑलमोस्ट 18 जून को। 18 जून के बाद ये जो कैंडल बनी थी
उसके बाद ये इसके ऊपर कभी निकला नहीं है 18 जून के बाद। अभी ये इसने जुलाई 29th वाले में 1694 बनाया, और अभी अब जो हाई बनाया है इसने 1704 का हाई बना लिया है। तो हायर हाईज बनाते जा रहा है, हायर लोज बनाते जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन होता है किसी भी चार्ट पर। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, वीकली के चार्ट पर अभी इसका जो RSI है वो 84 हो चुका है, ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है, बट ये मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा चुका है। तो अभी क्या होगा, ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए या फिर यहीं पर सुस्ता है, और ये जो आपकी जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बहुत दूर छूट गई है, 1442 के आसपास 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जैसे मैं आपको हर वीडियो बताता भी हूँ कि ये जो मूविंग एवरेजेज हैं ये क्या करती हैं, या तो ये नीचे की तरफ खींचती हैं स्टॉक प्राइस को, या फिर ये वहाँ पर ही स्टॉक अगर स्टीडी हो जाता है तो ये ऊपर चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एवरेज लेती है 20 वीक्स का। 20 वीक्स में जो भी प्राइस पैटर्न रहे हैं उसका एवरेज लेती है। तो एवरेज में मान लीजिए 100 रुपये का अभी रेट दिख रहा है, और आपका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मान लीजिए 40 चल रहा है, अगर ये 20 पे ही सस्टेन करता है तो ये एवरेज के हिसाब से ऊपर बढ़ता जाएगा और ये कैचअप करेगा इस रेट को, और ये ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी लाइन जो है। तो ये दोनों तरह से काम करती है, या तो रेट को नीचे लेके आती है या फिर खुद ऊपर बढ़ जाती है। तो फिर ये होता है कि हाँ कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा स्टॉक हो सकता है, बट स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, जो कि इस तरह के मार्केट में अगर ऑल टाइम हाई चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है, क्योंकि मार्केट ज़रूर थोड़ा सा नीचे आया है, फिजल आउट हुआ है, बट ये जो स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है। ये वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये देखिए कितनी तेज़ी से ये रैली हुई है, और ये रैली का कारण जो जो ये स्ट्रेंथ शो करता है ये यही चीज़ शो करता है कि हो सकता है आपको ये नीचे आ जाए थोड़ा बहुत, उसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा नीचे भी आता है तो भी आप इसमें बिल्कुल घबराए नहीं, स्टॉप लॉस बिल्कुल बना के रखें। स्टॉप लॉस जो मैंने बताया आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, बट इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस किए बिना कोई पोजीशन मत लीजिएगा। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो इस मंथ में जो अभी तक जो इसमें रिटर्न दिए हैं कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं आए हैं, 3.82% का रिटर्न दिया है। बट पिछले मंथ में जून मंथ में आपने देखा तो जून मंथ में आपका जो है वो आया था 22.5% का रिटर्न, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत तेज़ी से चला था जून मंथ में। जुलाई मंथ में इसने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, और अगस्त में तो अभी बिल्कुल फ्लैट है, अगस्त में तो अभी कुछ 1.91% का ही रिटर्न दिया है। तो ये पिछले महीने और इस महीने में लाके तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, बट हाँ जून मंथ में बहुत ही बड़ी रिटर्न 22.5% का रिटर्न दिया था, जो कि एक बहुत अच्छी स्टोरी शो कर रहा है आपको। ये अगर आप इसमें मंथली चार्ट पर RSI देखते हैं तो 77.5 का RSI है, वहाँ पर भी आपको मोमेंटम अच्छा शो कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है वीकली के चार्ट पर जो ऑलमोस्ट ऑलरेडी ये ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया, तो हो सकता है थोड़ा निचले स्तरों पर आपको मिले देखने को। अगर मिलता है तो आपको इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनानी है, जब भी 1680 का लेवल तोड़ेगा वापस से तो फिर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और आपको मैंने स्टॉप लॉस बता दिया 1623, वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सामने कोरोमंडल इंटरनेशनल की कहानी हो जाती है, ये मेरा भी हो जाता है कोरोमंडल पर। तो जो भी आपको अगर डिसीजन लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, वॉच लिस्ट में तो एटलीस्ट लगा के रख ही सकते हैं। इसमें जैसे ही प्राइस पैटर्न या जैसे भी प्राइस मूवमेंट होगा वैसे हम बात करेंगे इसके ऊपर आने वाले टाइम में भी। बट ये काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न लग रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो वहाँ पर भी आप अपने ध्यान रखिएगा। और ये 1680 का जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल बना के रखिएगा अगर मार्केट नीचे आता है तो, अवॉइड कर दीजिए। हमने बहुत सारे स्टॉक्स अपने डिस्कस करते हैं इसी चैनल पर, आपको बिल्कुल इसमें अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो आपको ज़रूर डेली का कोई ना कोई एक आध शेयर में बताता ही हूँ। तो वहाँ पर अपनी पोजीशन बना के रखिएगा, जहाँ पर भी कन्विक्शन है वहाँ पर आपको पोजीशन बनानी है, ना सिर्फ कि जो स्टॉक में ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं वहाँ पर नहीं लगानी है आपको अपनी पोजीशन। तो मैं भी अपना लॉस बुक करता हूँ, मैं आपको सबको बताता भी हूँ लॉस बुक किया है मैंने, बट मैंने प्रॉफिट भी बुक किया है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉस ही होता है या सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, बिल्कुल जो है चार्ट पैटर्न जो भी बोलते हैं वैसा हमें फॉलो करना है। तो ये मेरा भी होता है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन बना रखी है। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो फिर आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।